सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, राजीनंद चैनल राजी संध्यार भागवत चर्चा को आपण मन को स्वागत जनाऊँ। आज आसतु आज भागवत चर्चा रे कौन अच्छा आम यह पूर्व शुणुले विदुर आउ उद्धवंकर देखा ही विदुर जितेबाला जाती तीर्थ भ्रमण करने से सहित उद्धवंकर देखा ही उद्धव विदुर आलिंगन पूर्वक भगवान श्रीकृष्ण विषय आलोचना करुले। समय विदुर कौन कहले आसतु आम शुणा। विदुर कहले हे धर्मात्मा उद्धव, भगवान नाभि कमल उद्भव ब्रह्मा प्रार्थना बलरु अवतारित होता पुराण पुरुष बलराम और श्रीकृष्ण पृथ्वीभारा उश्वास कर समस्त को आनंदित कराई एवं पिता वसुदेव घरे कुशल अच्छा। तो आंभ कुरुवंशी परम सुहृद तथा पूज्य वसुदेव जेकि निजर भग्नि कुंती ओ स्वामी संतोष निम्ते मन चाहा वस्तु सब पितृ सदृश दे आसुले से आनंद अच्छा। तो जादव सेनापति वीर प्रद्युम्न प्रसन्न अच्छा कि से पूर्वजन्म कामदेव थे माता रुक्मिणी ब्राह्मण सेवाराधना कर श्रीकृष्ण अरसर तक पुत्र रूपे पाई सात्वत वृष्टि भोज दासार वंशी जादव अधिपति उग्रसेन सुखर अच्छा। तो से राजसिंहासन आशा परित्याग कर देते कि कमलनयन श्रीकृष्ण पुणी राजसिंहासन में बसाई निजर पिता समान रथी मध्य अग्रगण्य सांब सकुशल अच्छा। तो जेकि पूर्वर पार्वती देवी गर्भर धारण कराइवा स्वामी कार्तिकेय नाम परिचित थे आबे जाम्बवती अनेक व्रत पालन कर जन्म दे। अर्जुन रहस्ययुक्त धनुर्विद्यार शिक्षा प्राप्त होता सात्विकी जुजुधान कुशल जीवन बिताऊ। तो से श्रीकृष्ण को सेवाराधना कर भगवजन मध्य अग्रगण्य हो पार जहाँकि बड़ बड़ जोगी सपक्ष दुर्लभ अटे। आउ भगवान शरणागत बुद्धिमान अक्रूर देव भलि थे निश्चय। से श्रीकृष्ण चरण चिह्न चित्रित ब्रजमार्गर धूली प्रेमाधीर हो लोटि पड़े भोज वंशोद्भव देवकी पुत्री माँ देवकी देवकों पुत्री माँ देवकी भलि अच्छा। तो जिकि देवमाता अदिति समान साक्षात विष्णु भगवान माता अटंती देवत्रयी यज्ञ विस्तार रूपक अर्थ को निजर मंत्र धारण करपरी प्रतिष्ठित ठीक से हीपरी से भगवान श्रीकृष्ण को निज गर्भरे धारण कर भाग्यवत हो पारे काम काम दुखा अर्थात भक्त कामना पूरण करुवा अनिरुद्ध सुखपूर्वक अवस्थान कर वेदशास्त्रर आदिकारण और अंतकरण चतुष्टयर चतुर्थ अंश मनर अधिष्ठाता रूपे मान्यता पाई। हे सौम्यमूर्ति उद्धव, निजर हृदय स्वर श्रीकृष्ण अनुसरण करुवा हृदिक सत्यभामानंदन चारुदेष्ट और गद आदि ए ओ भगवान अन्य पुत्र मैंने कुशल अच्छा। तो अर्जुन और श्रीकृष्ण रूपक दुईट हस्तर सहायत युधिष्ठिर न्यायपूर्वक धर्म मर्यादार पालन कर मयदान द्वारा निर्मित प्रदत्त सभागृह पांडव राजवैभव आधिपत्य को देखी कुटिलमती दुर्योधन बड़ ईर्षा होता। अपराधी प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन सर्प समान दीर्घकालीन क्रोध को शांत करदे ना से गदा युद्ध भिन्न भिन्न प्रणाली में पदक्षेप करुला बेले धरणी माता दुहली जाऊला जहाँ बाण ज्वाला द्वारा अतिष्ट हो किरात वंशधारी शंकर प्रति अति प्रसन्न हो जाते। से रथी और युद्धपति मध्य श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन भलि अच्छा।
पलक द्वारा नेत्र रक्षा हेला परे कुंती पुत्र युधिष्ठिरादी द्वारा रक्षित और कुंती माता द्वारा पालित माद्री दुई जमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल अछंदित गरुड़ इंद्रंक मुखर अमृत छड़ाई आणला भली से दुई वीर युद्ध करी शत्रुंक कबलरु निज राज्य को छड़ाई आनीले आहा बिचारी कुंती देवी राजर्षि श्रेष्ठ पंडुंक वियोगरे मृतप्राय होई मध्य एही बालक मानंक पई प्राण धारण करी रहिथिले रथिश्रेष्ठ पंडु एपरी अनुपम वीर थिले जे गोटे मात्र धनुरे चारिदिग को जय करिथिले हे सौम्य अधपतन आड़ को गति करुवा से धृतराष्ट्र मत बार बार सूचना करने को पड़ू से सान भाई पंडुंग ठार उद्भव पांडव प्रति द्रोहाचरण कर निज पुआ हे हाँ मिले आउर हित चिंतक मत नगर रू बाहर करदे तथापि मुझे दुखित बा चकित होना कारण जगत विधाता भगवान श्रीकृष्ण मनुष्य भली लीला करी लोकंकर मनोवृत्ति को भ्रमित करदे मुवल कृपार महिमा को हृदयंगम करने पूर्वक सानंद विचरण करूँ जो राजा मैंने धन विद्या और जाति रूपक त्रिमदर अंध हो पदगामी होते एवं बार बार निज सेना द्वारा पृथ्वी को कंपाई देउथिले सेमानन को ठिकणा समय अपराधी कौरवंक सह श्रीकृष्ण निपात करी तांक शरणागतंकर दुख दूर करने को विचारिथिले सेथिपाई कौरवंक द्वारा करा जाउथिबा अपराध सबकु से प्रभु उपेक्षा करी जाउथिले भगवान जन्म कर्मर अधीन नहिले मध्य दुष्ट को नाश करिबा ओ भक्तजन को निज आड़ को आकर्षण करिबा उद्देश्य रे से अनेक दिव्य जन्म और कर्मर अधीन हो आसुछन्दि भगवान कथा बा कौन कहिबा गुणातीत पुरुष मध्य कर्तव्य करुथाय भी कर्माधीन हो शरीर बंधन में पड़ा को चाहती ना तेणु हे मित्र उद्धव जो अजन्मा श्रीहरि शरणागत तथा आज्ञाकारी लोकपाल भक्तजन प्रिय साधन निम्ते जदुकूल जन्म नहीं पवित्र कीर्ति सम्बन्धी कथा मत शुणा इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस संगीताया वैशिक्या तृतीय स्कंदे विरुद्ध विदुरोद्धव संवादे नाम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय उद्धव द्वारा भगवान बाललीलार वर्णन हे बंधु आज प्रभु ये निजे विराम नेले आम गोटे अनुचिता पढ़ भगवान ये ब्रह्मा को कही जे नित्यं मम कथा जत्रं तत्रं तिष्ठन्ति वैष्णवाः कळी बाह्या नरस्ते बे जेर्चयन्ति सदा मम जो नित्य मो विषय चर्चा हुए सेठारे विष्णु पार्षद मैंने प्रह्लाद प्रभृति अवस्थान करती मत स्वरूप भगवत शास्त्र को पूजा करुवा लोकों पर कली राजार शासन करें ना आउ गोटे शुणु वैष्णवाना शास्त्राणी जेर चयंती गृह नराहा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरबंदिता अर्थात जो लोग सर्वगृह स्वगृह वैष्णव शास्त्र मान पूजा करती से समस्त पापर मुक्त होगा सहित देवगण द्वारा बंदित हमें हे बंधु आज आपण मानू भगवान आज ये विदा नहीं रोचे पुणी आउ गोटे भाग आराधना करी भगवान को आराधना करी रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।